नमस्कार, मैं हूं मनोज लांबा और टैक्स फॉर वेल्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन है इस हफ्ते के बिजनेस और फाइनेंशियल अपडेट्स के साथ। सबसे बड़ा अपडेट, इंडिया प्रिपेयर्स टू सेट अप इन्वेस्टमेंट पिच टू 1000 ग्लोबल कंपनीज। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कोविड-19 जहाँ भारत के लिए संकट लेके आया है, वहीं साथ साथ भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना साकार हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री ने एक योजना तैयार की है जिसमें विश्व की 1000 बड़ी कंपनियों से बात चल रही है कि किस प्रकार उन्हें इंसेंटिव देके भारत में बुलाया जा सकता है और भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर, किशोर बियानी जो बिग बाजार के मालिक हैं, उन्होंने फ्यूचर बिग रिटेल के सेल करने की बात कही है। जी हाँ, वो ये हिस्सा अमेजोन को बेच सकते हैं। इस हफ्ते की बिजनेस जगत की ये दूसरी बड़ी न्यूज आ रही है। तीसरी खबर, कोविड संकट को उभारने के लिए पीएनबी ने, जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने एमरजेंसी क्रेडिट लाइन ओपन की है स्पेशली टू सपोर्ट एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज टू फेस दिस कोविड-19 चैलेंज। यह समय सभी छोटे उद्योगों को लिक्विडिटी की समस्या आ रही है और इस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारत का पब्लिक सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पीएनबी आगे आया है। अब बात करते हैं कुछ टैक्स से जुड़ी खबरों की। पहले जीएसटी। जी हाँ, अगर आपकी निल जीएसटी रिटर्न है तो अब अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी जीएसटी सी भी फाइल कर सकेंगे केवल एक एसएमएस भेजकर। दूसरी बड़ी खबर, जीएसटीआर 9 जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न है और जीएसटीआर 9 सी जिसे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट बोला जा रहा है, उसकी समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक। इसके बाद इनकम टैक्स में हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बात करेंगे। सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो फॉर्म 3CB और 3CD है, उसमें पॉइंट नंबर 30C और पॉइंट नंबर 44 में एक बार फिर स्थगित कर दिए हैं 31 मार्च 2021 तक। जिसमें पहला पॉइंट 30C डील करता है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड और 44 डील करता है जीएसटी से। और उसके बाद अगला बड़ा बदलाव जो अभी रीसेंट न्यूज आई है कल ही, उसमें सीबीडीटी ने अपने सभी ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया है कि 30 जून 2020 तक किसी प्रकार के कोई भी स्क्रूटनी असेसमेंट के नोटिस इशू ना किए जाएं। अभी आपको मालूम है कोविड के कारण स्क्रूटनी में केस करने की समय सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया था। सीबीडीटी ने अपने सभी ऑफिसर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हुए बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 30 जून 2020 तक कोई भी केस स्क्रूटनी के लिए ओपन करने के लिए नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। यह इस मंदी के दौर में करदाताओं को प्रदान की गई भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत है। इसके बाद सीबीडीटी ने यह कहा है कि इस वर्ष में 1 अप्रैल से सभी ट्रस्ट, एनजीओ और सोसाइटीज ने अपना री रजिस्ट्रेशन कराना था या फ्रेश रजिस्ट्रेशन सीख करना था। कोविड-19 के इस समय में इस समय सीमा को भी एक बार फिर से 1 अक्टूबर 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर, अभी आपको मालूम है राम जन्मभूमि का मामला सेटल हो चुका है और सरकार ने इसके लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी है और ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रा। और अब इस फंड को नोटिफाई कर दिया है सरकार ने फॉर द पर्पस ऑफ डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए जो भी डोनेशन दी जाएंगी वो धारा 80G में छूट के लिए एलिजिबल होंगी और इस पर आपको 50% की छूट मिलेगी। ये थे इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो मैंने आपके हाथ साझा किए। अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नए फाइनेंशियल और बिजनेस अपडेट्स लेके। तब तक के लिए मनोज लांबा का प्यार भरा नमस्कार।